फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, जिसमें हम पढ़ेंगे जीआईटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। जीआईटी में जो हमारे पास क्वेश्चन पास्ट पेपर में आया हुआ है, उसमें हमारे पास पूछा हुआ है कि 10 वीक्स के अंदर अंदर हमारे पास कौन से चेंजेस आते हैं। अच्छा, इनमें नॉर्मली ये चेंजेस आते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हाइपरमेसिस ग्रेविडम हो जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह आने लग पड़ती है, उसके बाद गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स यानी जो हमारे पास गर्ड होने लग पड़ता है, हार्ट बर्न भी स्टार्ट हो सकता है साथ, और हेमरॉइड्स होते हैं, और हमारे पास ऑब्स्टेरिक कोलेस्टेसिस या गॉल स्टोन्स भी हो सकते हैं। लेकिन हम वैसे देख लेते हैं कि हमारे पास जीआईटी में थ्रू आउट कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो हम माउथ से लेके गॉल ब्लैडर, माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक करेंगे, साथ हम लीवर और गॉल ब्लैडर को भी देखेंगे। माउथ में हमारे पास आता है कि हमारे पास जो माउथ में सबसे पहले आ जाते हैं गम्स, गम्स में हमारे पास आता है कि वो स्वॉलन हो जाते हैं और ईजिली ब्लीड करते हैं, और इसमें हमारे पास कंडीशन जैसे जिंजिवाइटिस वगैरह हो सकती है। उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन आती है स्लाइवा वगैरह की वजह से, जिसमें हाइपर सेक्रेशन ऑफ स्लाइवा होती है, जिसे कहते हैं टाइलिज्म। टाइलिज्म हमारे पास स्टार्ट हो जाती है प्रेगनेंसी में, ये बेसिकली हमारे पास प्रेगनेंसी के अंदर नोज़िया भी होता है, तो नोज़िया की वजह से जो प्रेगनेंट वुमेन होती हैं वो हमारे पास जो स्लाइवा हमें नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा होता है वो सोलो नहीं करती, तो जिसकी वजह से वो भी हमारे पास हाइपर सेक्रेशन की वजह बन सकती है। और इसमें हमारे पास 1 to 2 लीटर पर डे हमारे पास स्लाइवा प्रोड्यूस हो सकता है, इतनी हाइपर सेक्रेशन होती है। उसके बाद हम एसोफेगस में देखते हैं, एसोफेगस में तो एसोफेगस में हमारे पास क्या होता है कि हार्टबर्न होता है। हार्टबर्न क्यों होता है, जो हमारे पास लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी कंप्लायंस कम हो जाती है। जब उसकी कंप्लायंस कम हो जाती है तो हमारे पास जो एसिड होता है गैस्ट्रिक एसिड, वो हमारे पास ऊपर आता है, जिस वजह से हमें हार्टबर्न की पेनफुल हार्टबर्न की कंडीशन मतलब आती है, तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे गर्ड की फीलिंग हो। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टमक, स्टमक में हमारे पास मोटिलिटी रिड्यूस हो जाती है और डाइजेशन इंक्रीज़ हो जाती है। सेम इन चीज़ें एसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मोटिलिटी रिड्यूस हो रही है, डाइजेशन इंक्रीज हो रही है, अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी मोटिलिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन इसमें एक कंडीशन आती है कॉन्स्टिपेशन, हमारे पास ये लार्ज इंटेस्टाइन की कंडीशन आ जाती है। उसके बाद अगर हम देखें लीवर में, तो लीवर में जो हमारे पास नॉर्मली जो ब्लड सप्लाई होती है वो नॉर्मल वुमेन में 35 होती है, लेकिन जो हमारे पास प्रेगनेंट वुमेन में ये रिड्यूस होकर ना 28 हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। फिर हमारे पास गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में हम आए तो हमारे पास गॉल ब्लैडर जो होता है उसकी टोन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, एटोनिक हो जाता है, और जिसकी वजह से ये डिस्टेंड भी हो जाता है, डिस्टेंड हो जाता है, और हमारे पास इसमें जो बाइल प्रोड्यूस होती है वो थिक हो जाती है। थिक होने की वजह से हमारे पास चांसेस बढ़ जाते हैं ऑब्स्टेरिक कोलेस्टेसिस यानी गॉल स्टोन्स वगैरह।